राजस्थान में जैसे जैसे 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बीएपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के सियासी हलचल बढ़ रही है। नए सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं। दिग्गज नेताओं के चुनावी क्षेत्रों के दौरे लगातार जारी है। नेताओं के आपसी मेल मुलाकात का सिलसिला भी बदस्तूर चल रहा है। क्षेत्रीय दल इस चुनाव के जरिए मौके पर चौका लगाने की फिराक में है। वे अपना दायरा बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति ने इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी करवट ली। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इसी तरह उपचुनाव के भी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच राजनीति के दो माहिर खिलाड़ियों की मुलाकात ने राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल दिल्ली में सांसद हनुमान बेनीवाल की हाल ही में सांसद राजकुमार रोत से मुलाकात हुई। राजकुमार रोत बेनीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं ने मिलकर कई विषयों पर चर्चा की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन उपचुनाव से पहले इस मुलाकात के बहुत गहरे मायने हो सकते हैं। राजकुमार रोत पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन भील प्रदेश की मांग वे बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी है धर्म के नाम से लड़ाओ, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है, न धर्म के लिए लड़ना है। हमको जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, धर्म के लिए नहीं लड़ना है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। आदिवासियों को आदिवासी से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है और उस नीति में पहला उनका जो उद्देश्य है, पहला उनका हथियार है, वो धर्म है। और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासी आदिवासी ने आपस में मारा काटा, वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। वही आदिवासी कुछ ईसाई बना दिए गए, कुछ कट्टर हिंदू बना दिए गए और वही नीति कुशलगढ़ में चल रही है। पूरे उदयपुर संभाग का अगर देखते हैं, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में है। और दूसरा भी जो मामला चल रहा है वही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम करना है और समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। मणिपुर के अंदर लड़ाया, वही बाबूलाल जी जाड़ोल के अंदर लड़वाएंगे। और हमने अभी ये नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमारा समुदाय जमीन के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम गोविंद गुरु महाराज, संत सुमार महाराज, माल जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हमें दूसरे के किराए के धर्म में रहने की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में भील प्रदेश बनाने की मांग रखी थी। राजकुमार अपनी पार्टी को तमाम क्षेत्रों में फैलाना चाहते हैं, इसलिए उनकी सीधी नज़र 5 सीटों पर है जिन पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन निम्न स्तर का रहा था। 70 सीटों पर सिर्फ एक विधायक जीता था और वे खुद हनुमान बेनीवाल थे। आप राजस्थान के किस जिले से हैं और आपके अनुसार उपचुनाव वाली 5 सीटों में राजकुमार रोत की बीएपी व हनुमान बेनीवाल की आरएलपी कितनी सीटें जीत सकती हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।